हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, डबल डिग्री प्रोग्राम, राइट। सो आपको जैसे कि पता होगा, एक अनाउंसमेंट तो काफी पहले हो चुका था, लेकिन अब ये फाइनली यहां पर यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है डबल डिग्री प्रोग्राम को। अब ये डबल डिग्री प्रोग्राम है क्या, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब ये है कि अब से, मतलब यार हमारे टाइम पे तो नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए जो ट्वेल्थ में थे, कर चुके थे, उनके लिए भी अब दो डिग्रियां एक साथ कर सकते हो। दो डिग्रियां एक साथ करने से क्या मतलब है, क्या हम पहले नहीं कर सकते थे? तो थोड़ा सा हम यहां पर क्रोनोलॉजी समझते हैं। हम पहले की भी बात करते हैं और अभी की भी बात करते हैं। हम जरा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं, पहले अगर हमें डबल डिग्री करना होता था, मान लीजिए हम यहां पर हमने मैथ ले लिया ट्वेल्थ में और साइंस मैथ के साथ साथ हमने ले लिया बायो। बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, एडिशनल में एक एक्सवाइजेड सब्जेक्ट लेते थे। अब इन्होंने मुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, राइट, बीटेक करना है और साथ में मुझे बीफार्मा करना है, या फिर मुझे बीएससी करना है या मुझे बीबीए भी करना है, राइट। क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा करियर मुझे किस तरफ ले जाना है। तो पापा मम्मी कह रहे हैं बीएससी कर ले, बेटा मेरा प्लान है कि मुझे एमबीए करूंगा तो मैं बीबीए कर लेता हूं। बट एक नियम था कि आप दो कोर्सेज को एक ही साथ नहीं दिखा सकते। अगर मान लीजिए मैंने एडमिशन लिया यहां पर 2016 में, मैं पास आउट हुआ 2019 में, तो मैं ये कोर्सेज नहीं दिखा सकता हूं। कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाओगे, किसी चीज में अप्लाई करोगे, आपको एक ही कोर्स दिखाना होगा। अगर आपने अलग यूनिवर्सिटी से चालाकी से कर भी लिया तो, राइट। सो बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, राइट, कि अलग अलग यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन पकड़े जाते थे तो भी आपको एक डिग्री सिलेंडर करना पड़ती थी। इसका मतलब ये, अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, एक डिग्री सिलेंडर करने का मतलब कि आपको लीगली एक डिग्री एक ही टाइम पर आप कर सकते थे। मतलब एक साल में, अगर वो दो साल की कोई कोर्स है या तीन साल की कोई डिग्री है, सो आप उसको एक ही डिग्री कर पाओगे। भले ही आप साथ साथ कर रहे हो, लेकिन आप एलिजिबल नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया, चलिए अब हम बताते हैं। तो यूजीसी ने ये कहा है कि अप्रूव कर दिया है इसको, डबल डिग्री प्रोग्राम को, जो कि अनाउंस इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं अनाउंस की थी। क्या है, एनईपी। एनईपी यही है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नई पॉलिसी बनी है उसमें यहां पर ये कहीं ना कहीं मेंशन भी है। अब एक और चीज है, राइट, In order to acquire student multiple skill, ताकि वो अपने अलग अलग जोन पर एक्सपर्टीज हासिल कर सके। अच्छा, तो इन्होंने देखिए, अभी आप इनका ये भी देख सकते हैं ट्वीट के, इन्होंने बोला क्या है, तो जगदीश कुमार, जैसे कि आपको पता होगा यूजीसी चेयरमैन है, aims to customize education, the idea is to provide a much flexibility, स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का मकसद है, ताकि वो अलग अलग जगह पे अपने स्किल्स डेवलप कर सके और हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। सो अब फाइनली ये कहीं ना कहीं लागू हो गया। अच्छा, तो किस किस तरीके से होगा, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। एक आपने देखा होगा कि हम क्लासेस जाकर कोई डिग्री कोर्सेज कर रहे होते हैं, एक होता है ऑनलाइन मोड, एक होता है ऑफलाइन मोड। अब इसको थोड़ा सा हम आराम से समझते हैं, मतलब इसमें भी हम तीन मोडों को समझते हैं। पहला जो मोड आपका होगा फिजिकल मोड, राइट। ये फिजिकल मोड क्या है, मतलब हम वहां पर जहां कॉलेज में, स्कूल में, एक्स वाई जेड जहां पर भी कोर्सेज के लिए हमने एडमिशन लिया है, वहां पर हम जा रहे हैं, ये फिजिकल मोड, जाके पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल मोड। दूसरा है फिजिकल ऑनलाइन मोड, मतलब हमने ऐसे कोर्स को लिया है कि हम जा भी रहे हैं और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब कुछ हम उस कॉलेज में जा रहे हैं और कुछ हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, राइट। सो दो क्लासेस हमें कॉलेज में यहां पर अपीयर होना है और यहां पर बाकी क्लासेस हमें ऑनलाइन मोड पे अपीयर करना है। और तीसरा यहां पर है ऑनलाइन ऑनलाइन मोड, मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हैं हम, क्लासेस भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, एग्जाम भी ऑनलाइन दे रहे हैं, सब कुछ हम ऑनलाइन ही दे रहे हैं। सो जैसे कि फिजिकल एजुकेशन मोड होता है हमारा, ये कहीं ना कहीं एक टिपिकल जो सारे कोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि हम जा रहे होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उसी तरह का सिस्टम है इसमें। आपको कॉलेजेस जाना है, एग्जाम देना है, क्लासेस अटेंड करना है, सारी चीजें करना है। यहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो और मान लीजिए एग्जाम और उसके लिए जा रहे हो, और तीसरे में सिर्फ सारी चीजें आप ऑनलाइन कर रहे हो। तो ये तीनों चीजें, राइट, डबल डिग्री में कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होंगी। अब ये कब होंगी, कौन देगा, कहां, किस कॉलेज में होगी, तो देखिए अब ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब मैं एक कॉलेज हूं तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक डिग्री बनाऊंगा,
राइट मैं बनाऊंगा कि ये जो मेरी डिग्री है ना ऑनलाइन ऑनलाइन मोड के लिए, ये जो मेरी डिग्री है ना फिजिकल फिजिकल मोड के लिए, ये जो मेरी डिग्री है ना फिजिकल ऑनलाइन मोड के लिए। सो आपने देखा होगा कहीं यूपी में देखा होगा राइट, ये हम अगर बीटेक करना चाहो तो बहुत सारी क्लासेस इवनिंग में स्टार्ट होती है, वहां पर दो तरीके से होती है, एक मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। सो यहां पर क्लियर ये चीज बोली गई है, क्लियर बताया गया है। क्या बताया गया है वो भी हम देख लेते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, टू फुल टाइम प्रोग्राम कैन बी टेकन अप इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड क्लास टाइमिंग डू नॉट ओवरलैप। सीधा सा सिंपल कहा गया है कि दो क्लासों की टाइमिंग ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप यहां पर सबको डुअल डिग्री नहीं करना है, जो चाहता है वो ही कर सकता है। सो अगर आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम करना है तो आपको ऐसे कोर्स में ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जहां की क्लासेस, अगर आप फिजिकल मोड वाले में जा रहे हो तो देखो फिजिकल मोड की एक अलग रेपो होगी, अगर आप वहां पर जा रहे हो तो आपको एक मॉर्निंग में अटेंड करिए, दूसरी इवनिंग में अटेंड करिए। सो यहां पर क्या है कि मॉर्निंग की क्लासेस यहां पर नून तक खत्म हो रही है, इवनिंग की क्लासेस नाइट तक खत्म हो रही है, तो कहीं भी ओवरलैप नहीं हुआ, आपने दोनों को ही अटेंड किया है। उनकी टाइमिंग भी अलग अलग थी, टाइमिंग के साथ साथ यू नो यूनिवर्सिटी या जो भी सारी चीजें थी वो भी अलग अलग थी। सो यहां पर फॉर एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने, ए स्टूडेंट कैन परस्यू बीकॉम कोर्स इन द मॉर्निंग एंड बीए कोर्स इन द इवनिंग। तो यहां पर ये क्लियर है कि मॉर्निंग में मान लीजिए आप यहां पर बीकॉम की क्लासेस ले रहे हो, इवनिंग में बीबीए की क्लासेस ले रहे हो, तो यहां पर जब तीन साल बाद, अभी आपने एडमिशन लिया है 2022 में या 2023 में आप ले रहे हो, और जब तीन साल बाद 2026 में आप निकलोगे तो आपके पास दोनों की कोर्स कहीं ना कहीं डिग्री होगी, तो ये आपका हो गया ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। तो यहां पर एक चीज तो हमें क्लियर हो गई राइट, ये सारी चीजें। अब यहां पर स्टूडेंट के नाउ परस्यू टू फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम राइट, यू नो जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हो सकते हैं। अब ये क्या है, अगर आप एलिजिबल हो, मान लीजिए मैंने ट्वेल्थ किया है तो मैं क्या हूं अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे बीकॉम कर सकता हूं, बीएससी कर सकता हूं, यहां पर बीबीए कर सकता हूं, या एक्स वाई जेड कोई डिग्री कोर्सेज कर सकता हूं। सो ऐसा नहीं है कि आपने एक डिग्री कोर्सेज किया और एक मास्टर कोर्स कर लिया, ऐसा नहीं है कि भाई राइट, आप जिस टाइम के लिए जब एडमिशन ले रहे हो उस टाइम पे आप जो एलिजिबल हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो, आप मास्टर में भी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो मास्टर में, जी हाँ राइट। यहां पर क्लियर मेंशन है पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। अगर आप एलिजिबल हो ट्वेल्थ देके आप जा रहे हो तो आप ट्वेल्थ के बाद किसमें एलिजिबल हो गए, जाहिर सी बात है ना ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल होगे, तो यहां पर अंडर ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम है वो आप कर सकते हैं राइट। यहां पर आई थिंक क्लियर होगा आपको बिल्कुल सारी चीजें। अच्छा, इधर इन फिजिकल और ऑनलाइन मोड और कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप कर सकते हैं। अभी मैंने ये तीनों चीजें आपको समझाई है, बताई है कि कैसे करना है। सो आई थिंक अभी आपको क्लियर होगा। सो ये हमारा पूरा सारी चीजें थी। एक और इसमें हम बता दें, स्टूडेंट विल ऑल्सो बी अलाउड टू परस्यू मल्टी डिस्पेंसरी प्रोग्राम राइट, इनको अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से भी स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है आप लोगों को राइट। हमारे दाम पे तो ये सारी चीजें नहीं होती थी, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो कंफ्यूजन रहता था कि यार पापा तो मुझे ये दिलाना चाहते थे, मेरा इंटरेस्ट इसमें था ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो उसमें था, अब वो बहाना आपसे छिन जाएगा राइट, अब वो बहाना आप नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब भी आप ऐसा सोचोगे कि क्यों भाई आप इतने कंफ्यूज क्यों थे, पहले आपने इंजीनियरिंग किया, फिर आपने एमबी किया, फिर आपने एमबीए के बाद मास्टर किया, एमटेक किया, फिर आपने फार्मा कर लिया राइट। सो वहां पर ऑप्शंस हुआ करते थे हमारे पास, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा राइट। सो आपको जो करना है, मतलब ताऊ जी मम्मी जी दादाजी जो भी कह रहे हैं, आप एक घर वालों के लिए कोर्स करिए, और दूसरा वो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो यार मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं आप झंडे नहीं गाड़ पाओगे। सो आई होप यहां पर चीजें क्लियर होंगी, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, क्योंकि इसी तरह की अपडेट यहां पर चीजें हम आपको बताते रहेंगे, सारी चीजें डेप्थ में हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बाकी कुछ पूछना है तो पूछो इंस्टाग्राम पर रॉथर जेलिस के नाम से। थैंक यू, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.